बॉलीवुड या हॉलीवुड कोई भी मूवी यूट्यूब पर अपलोड करके आप भी कमा सकते हो मिनिमम $10,000 से लेके मैक्सिमम $170 तक। और $170 इंडियन रुपीज में कितना होता है इतना गिनती तो गाइस मुझे भी नहीं आता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जिस चैनल का अर्निंग मैं शो कर रहा था उस चैनल पे जाके अगर आप लोग चेक करोगे तो देखोगे ये चैनल बस हॉलीवुड मूवीज को री अपलोड कर रहा है यूट्यूब पर और इतना सारा पैसा कमा रहा है। आप लोग भी एक काम कर सकते हो बड़े आसानी से। तो इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे YouTube पर मूवी री अपलोड करना है विदाउट कॉपीराइट। इस वीडियो पे जैसा बताया गया है उसी तरीके से जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप लोग भी इतना सारा पैसा कमा सकते हो। बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी मूवी आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर हॉलीवुड मूवी अपलोड करोगे तो बाहर के कंट्री से ज्यादा व्यूज आएंगे तो CPM हाई रहेगा, तो कम भी उस पे आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट एंड वर्किंग ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। तो देखो इस चैनल ने बस 1.5 साल के अंदर 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन किया है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। लिटरली मैं भी इस टॉपिक पे एक चैनल क्रिएट करने का सोच रहा हूँ अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो। तो ये काम आप लोग भी बड़े आसानी से कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कहाँ पर मूवी क्लिप ढूंढना है, कहां से ऑडियो लेना है और कैसे एडिट करना है ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े। और इस पे आपको ना ही फेस दिखाना होगा और ना ही वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप लोग बस मूवीज री अपलोड करके पैसा कमा पाओगे। तो ये जो चैनल का नाम है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कहाँ से आप लोगों को मूवीज फाइंड करना है यूट्यूब पर री अपलोड करने के लिए। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है boxofficemojo.com। यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कौन सा मूवी अभी ट्रेंडिंग पर है और यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके कौन सा मूवी इंडिया में ज्यादा चल रहा है वो भी पता कर सकते हो। ट्रेंडिंग मूवीज अपलोड करोगे तो वीडियो वायरल होने का हाई चांसेस रहेगा। और एक बार ग्रो होने के बाद आप लोग कोई भी मूवी अपलोड करो, बस थंबनेल अच्छा होना चाहिए और टाइटल अच्छा होना चाहिए तब व्यूज आ जाएगा। लेकिन शुरुआत के टाइम आप लोग ये जो ट्रेंडिंग मूवीज है इसी को अपलोड करो तो आपका चैनल 1 महीने के अंदर ग्रो हो जाएगा और आपका चैनल जो है मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो जिस चैनल का अर्निंग मैं यहाँ पे शो कर रहा था उस चैनल का नाम है मिस्ट्री रिकैप। तो इस चैनल का हर वीडियो पे मिलियन के करीब व्यूज आ जाता है और इसका पॉपुलर वीडियोस को अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोग खुद ही देख पाओगे कितना ज्यादा व्यूज ये चैनल लेके बैठा है। तो ये चैनल बेसिकली मूवीज को एक्सप्लेन करता है 10 से 15 मिनट के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहाँ पर आपको ना ही कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ना ही आपको वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ना ही कुछ अच्छा खासा एडिटिंग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। हर दिन आप लोग बस 30 मिनट में एक वीडियो रेडी कर सकते हो, ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइस एक इंडियन चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। तो ये जो है बेसिकली हिंदी में मूवीज को एक्सप्लेन करता है सेम मेथड यूज करके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन दोनों चैनल्स को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मूवी क्लिप यूज करने से कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे कॉपीराइट अवॉइड करना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अभी चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अभी आप लोग जिस मूवी को सिलेक्ट किए हो, एग्जाम के लिए मैं 3 इडियट्स मूवी को ले लेता हूँ। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। आपको अभी क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और उस मूवी का नाम के साथ साइनोप्सिस लिख के आपको सर्च कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारा वेबसाइट्स आ जाएगा, लेकिन आपको ये जो imdb.com करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वाला वेबसाइट पर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर करके एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मूवी को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज करोगे तो कॉपीराइट मिल जाएगा। तो कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करना है, फिर आपको आ जाना है स्पिन बॉट करके एक वेबसाइट पर। ये वेबसाइट टेक्स्ट को चेंज कर देता है लेकिन मीनिंग सेम रहता है, जिससे कॉपीराइट पढ़ने का चांस 0 है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है, फिर
बेसिक स्पिन वाला बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड में आपका टेक्स्ट का नया वर्जन यहाँ पर आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट को कॉपी करके आप लोग नोट पैड या फोन का नोट एप्लीकेशन पे पेस्ट कर दो। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके आपको एक एक पैराग्राफ को यहाँ पर स्पिन बॉट के जरिए चेंज कर लेना है। अभी स्टेप 3 में हम लोग इसी टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा voicemaker.in वेबसाइट का। इस वेबसाइट से आप लोग टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी सब लैंग्वेज मिल जाता है, तो सबसे पहले आपको इस पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी न्यू जो टेक्स्ट है उससे आप लोग जो है कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक जगह मिल जाएगा जहाँ पर आपको उस टेक्स्ट को जो है पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आप लोग सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी मैं एक बार दिखा दूंगा। तो चलो इंग्लिश मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिर आप लोगों को नीचे एक बटन मिलेगा कन्वर्ट टू स्पीच का, इस पे क्लिक करते ही आपका जो टेक्स्ट है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। फरहान कुरैशी, अर माधवन, राजू रस्तोगी, शर्मन जोशी। अभी अगर आप लोग इसको हिंदी में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पेस्ट करके आपको जो है कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ऑडियो हिंदी में आएगा, अदरवाइज इंग्लिश में ही आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपने टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें आप लोग मैक्सिमम 250 वर्ड ही ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपको एक बार में करना है तो इसके लिए आपको जो है इसका एक जो है प्लान खरीदना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा गाइस आप लोग अभी जो है इस पे इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा सा पैसा हो जाए फिर आप लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग इसमें जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी होगा। आप लोग एक बार में बहुत वर्ड्स ऑडियो में कन्वर्ट कर पाओगे, जिससे आपका वीडियो और भी जल्दी बन जाएगा, मतलब आप लोग और भी जल्दी जल्दी वीडियो यहाँ से बना पाओगे। और गाइज अगर आपको फ्री वाला और एक मेथड चाहिए वॉइस का, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा। आप लोग जो है खुद ही से वॉइस ओवर कर लो। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से आप लोग एक न्यू स्किल भी सीख जाओगे। पहले शुरुआत पे आपको कुछ दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग खुद से ही अच्छा वॉइस दे पाओगे। एक्सप्रेशन के साथ साथ अच्छा वॉइस ओवर करोगे तो वीडियो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो व्यूअर्स और भी ज़्यादा पसंद करता है वीडियो को। स्टेप 4 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मूवी क्लिप कहाँ से ढूंढना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर आ जाना है और सर्च करना है 3 इडियट्स मूवी क्लिप। मैंने 3 इडियट्स मूवी लिया, आप लोग कोई भी अदर मूवीज भी ले सकते हो, दिक्कत की बात नहीं। आपको जस्ट ऐसे सर्च करना होगा, फिर उस मूवी के रिगार्डिंग बहुत सारा क्लिप्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इन क्लिप्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, यहाँ से आप लोग जो है कुछ ऐसा वीडियोस को सिलेक्ट करो जिसपे व्यूज कम है, जिसका सब्सक्राइबर कम है, मतलब कुछ मतलब छोटा चैनल्स का वीडियोस को आप लोग यूज करो। तो इससे आप लोग 100% सेफ रहोगे कॉपीराइट से। और अगर आप लोग डायरेक्ट मूवी से क्लिप यूज करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। आप लोग जो है जिस क्लिप को वहाँ पर यूज कर रहे हो कोशिश करना उस पे कुछ फिल्टर लगाने का, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फ्लिप फिल्टर लगा सकते हो या फिर कुछ भी ऐसे तरीके का कुछ फिल्टर्स लगा के आप लोग इसको डिफरेंट कर सकते हो, जैसे कि ओरिजिनल से कुछ अलग लगे। तो इससे आपका क्या होता है, आपका मतलब वीडियो या फिर चैनल 100% सेफ रहेगा, कॉपीराइट की कोई झंझट वगैरह आपको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी मूवी को अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर। तो आप लोग कोशिश करना पहले ट्रेंडिंग मूवीज को अपलोड करने का। तो इससे क्या होगा, आपका चैनल पे शुरुआत पे ही व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है वो 15-30 डेज के अंदर कम्प्लीट भी हो जाएगा, और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, और इससे आप लोग पैसा कमाना भी स्टार्ट कर दोगे। और अभी भी अगर आपके मन में डाउट है कि कॉपीराइट आ जाएगा, तो यूट्यूब का एक फेयर यूज पॉलिसी है जहां पर साफ साफ बताया गया है आप लोग अभी मूवीज को यूज कर सकते हो, उसका क्लिप्स को यूज कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ भी कॉपीराइट वगैरह जो है मिल नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पूरा मूवी का क्लिप जो है यूज नहीं करना है, मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से यूज करना है, तभी आप लोग 100% सेफ रहोगे। और अगर आपको ये पता करना है कि एक यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करना है, एक चैनल ग्रो कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोग एंड स्क्रीन पे दिया गया वीडियो और चैनल को जरूर से चेक करें।